वेलकम बैक अगेन एज ऑलवेज सो क्रिंजी। ओके सो यार तुम लोगों को पता ही है डिवाइन एंड एमवे की जो बीच चल रही है, बट एमवे की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। अभी जो डिवाइन का पिछला ट्रैक था चावी वाला बंदर, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था एमवे ने, और फिर भी उसके बाद फिर से एक और गाना डिवाइन ने निकाल लिया फिर से। पता नहीं ये कहाँ जाके अंत होगा इसका, और I don't know. और ये देखते गाने में क्या क्या बोला है, let's check it out. क्या है ये, क्या धागे की तरह उलझ जाते हैं, मतलब कोई वही नहीं है। मैंने अपने कानों में ठूस लिए हैं हेडफोन्स। चलो ओके सो आर्टिस्ट डिवाइन, लिरिक्स डिवाइन, म्यूजिक प्रोड्यूसर स्टेना बीट्स, जिसका नाम इन्होंने पिछले वाले डिस ट्रैक में भी लिया था चाबी वाला पंदर के। चलो बाकी देखते हैं क्या है। गो
अभी मैंने लास्ट में नोटिस किया, जस्ट लास्ट में नोटिस किया कि जो ये आर्ट वर्क है उसमें अंदर एमवे हो गया एंड चश्मा लगाया, वो मैंने अभी नोटिस किया लॉल। वेल दिस वाज आई मीन वेल जो भी हो यार, दिस वाज फनी, मुझे काफी फनी लगा ये वाला डिस। और एंड लास्ट में मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब मतलब कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, जैसे इन्होंने थीम बनाई है एक व्हाट्सएप चैट्स की, चैट्स में वो लोग बातें करते थे। एंड लास्ट में जब डिवाइन ने चैट यू नो लेफ्ट किया तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके और काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी गाने में जो इन्होंने हाईलाइट की है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीऊँगी मैं पानी। ओके सो सबसे पहले ले फिर फोकट का सप्लाई, गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई। यहाँ पे डिवाइन एमवे को क्लियरली ये बोल रहा है, सो अरे बोतल आ जाएगी पहले। डिवाइन यहाँ पे क्लियरली एमवे को ये बोल रहा है कि ये तो गारंटी था, ये तो मुझे पता ही था कि तू रिप्लाई देगा नहीं, तेरे बस की नहीं है देना लाइक दैट। और फिर भी तू फोकट का सप्लाई ले, आई मीन फिर भी मैं तेरे पे डिस बनाऊंगा, एक और डिस ले फ्री में, तू रिप्लाई तो दिया नहीं लेकिन फिर भी एक और डिस ले फोकट का सप्लाई लाइक दैट। दिस इज़ फनी, एक तो मुझे हर चीज़ आजकल फनी लग रही है, आई नो वाई। इसके बाद आता है तू कटर गप्पी छोटे शार्क इधर है, मेरे हिसाब से ये भी ईजी है समझने के लिए, मेरे हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों को भी समझ में आ जाए। ओके सो इसका मतलब है गटर गप्पी होती है एक फिश है गटर गप्पी, बहुत छोटी सी फिश होती है, पता नहीं उसको खाते भी हैं शायद। तो वो एमवे को गटर गप्पी बुला रहे हैं, छोटी सी मछली, एंड खुद को शार्क बुला रहे हैं। गॉट इट, बहुत सीधी सी बात थी पता है, लेकिन फिर भी तुम लोगों में से कुछ को समझ में नहीं आया गया, मुझे पता है। क्रिंज नहीं हो यार, मैं इधर खड़ा ले हाँ नास इधर है, तो ये भी बहुत ईजी है। लाइक 2001 में नास का, नास यू नो नास को तो सभी जानते हो गए यार, तो 2001 में एक डिस ट्रैक आया था नास का जो कि चैजी जे को था डिस, तो यार वो मेरा फेवरेट ट्रैक था, मुझे काफ़ी खतरनाक लगा था, उस ट्रैक का नाम था एथर। तो वही चीज़ वो डिवाइन खुद को नास से कंपेयर करके कह रहे हैं, एंड एथर बोल रहे हैं अपने डिस को, एमवे के लिए जो डिस बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं एथर। सो ईजी तू आर्थर रोड है और बार्स इधर, ये पोस्ट मार्टम है और तू लाश इधर। तो आर्थर रोड ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा, आर्थर रोड एक जेल है मुंबई की। हाँ ठीक है मिक्स हो गया मुंबई एंड मुंबई, वो एक साथ हो गया, हो जाता है कभी कभी, इंसान हूँ भगवान नहीं हूँ। एंड पोस्टमार्टम वो इस डिस्ट्रैक्ट को बता रहे हैं, लाइक जो भी डिस निकाल रहे हैं एमवे के लिए उन डिस्ट्रैक्ट को पोस्टमार्टम बता रहे हैं, और लाश बता रहे हैं एमवे को, यानी एमवे का पोस्टमार्टम। दिस इज सो हॉरिबल क्वांटाइन, ना तू कभी सीन में ही नहीं था, मतलब ये भी कोई समझाने वाली बात है। यहाँ पे वो सीधे सारे ये बोला लाइक एमवे से कि तू कभी सीन में था ही नहीं, तो कम से कम क्वारंटाइन में तो बैटर कर ले, क्वारंटाइन में तो फेस ऑफ कर ले, क्वारंटाइन में तो आमने सामने आ जा लाइक दैट। घुस गया चूहा तो मिल रहा नहीं था, ट्रैप 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 इसको पीनट बटर दो। अब तुम सोच लोगे ये दो अलग अलग, मतलब ये दो अलग अलग सीक्वेंस की मैंने ऐसे जोड़ के क्यों उठा रखी है, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? हाँ समझ ही गए होगे, फिर भी मतलब कमेंट में ज़रूर, बहुत लोगों की खुजली रहती है कमेंट में आएंगे, कोई बात नहीं माफ़ किया ठीक है। मैंने इसलिए एक साथ बोली क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है। तो पहली लाइन थी घुस गया चूहा तो मिल रहा नहीं था, और फिर आती है ट्रैप 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 इसको पीनट बटर दो। तो यार चूहों का जो एमवे को चूहा बोल रहा है दैट्स ऑब्वियस ठीक है, और पीनट बटर ये होता है, पीनट बटर मतलब चूहों का शायद फेवरेट होता है, और आई मीन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो है उसकी स्मेल से, पीनट बटर की खुशबू से, तो शायद। और मतलब मैंने सुना काफ़ी सारे लोग उसको चूहे पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए उन्हें उसका यूज़ करते हैं, तो वो यहीं पे एग्जांपल देके कह रहा है। अभी रस को देख देख के चेप के खा ले, यहाँ पे भी क्लियर है लाइक बहुत से लोग बोलते हैं कि वो रस को कॉपी करता है, लाइक उसका हेयर स्टाइल हो गया, एमवे का हेयर स्टाइल हो गया, या फिर उनका ड्रेसअप हो गया, या फिर उनका यू नो रैपिंग स्टाइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी रस से मिलती जुलती है, सो दैट्स वाई वो यहाँ पे बोल रहा है कि तू रस को कॉपी करता है क्लियरली। और ये चीज़ पहले भी बोल चुके हैं, रफ्तार ने भी अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था जब एमवे एंड रफ्तार का बीफ चला था। बहुत पुरानी है यार ये स्टोरी, बहुत पुरानी, मुझे बहुत पीछे इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे तब जाके मुझे और अच्छे तरीके से मुझे समझ आएगा, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, और जिसमें बकवास कम होगी और नॉलेज ज़्यादा होगी। ब
बस दैट्स इट, आज का ज्ञान यही खत्म हुआ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक मारो एंड शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर तुम ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएंगी मेरा वीडियो ड्रॉप होती, और तुम मेरी तरफ से कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ओके, और बस तुम लोगों के क्या व्यूज़ थे इस डिस्ट्रैक्ट को, मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, मतलब ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, यू नो ठीक ठाक भी अच्छा भी, अच्छा लगा, ठीक है अच्छा लगा। तो जो भी है फिलहाल तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, एंड मेरा एक्शन वीडियो आज का तुम लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जोक्स अपार्ट, एंड फिर सेम थिंग यू नो, सेम थिंग रोज रोज वही चीज़, लाइक यू नो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन सर्च @heyonidhi। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ये करना मैंडेटरी हो गया ना अब तो, टाटा एंड पीस 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 पीस, क्या है ये, बाय, पीस।